Daddy Takes Us to the Garden by Howard R. Garris. So students, we are going to read a new story. It's a two-part story actually in your book, Daddy Takes Us to the Garden. So open your textbook and now let's start with the story. Harry and Mabel Blake came to their mother with their droopy faces. They were bored and didn't know what to do. हैरी और मेबल ब्लेक अपनी माँ के पास आए अपने लटके हुए चेहरे को लेकर. वो बोर्ड थे और उन्हें नहीं पता था क्या करना है. What can we do? Asked Hal, as he was called more often than Harry. हम क्या कर सकते हैं? हैल ने पूछा, क्योंकि जो नाम उसका अक्सर बुलाया जाता था हैरी के तुलना में. There isn't any more fun. Complained Mab, to which her name was often shortened. कुछ खास मजा नहीं है, मैब ने कंप्लेन किया. एक्चुअली मैबल का नाम छोटा करके मैब कहा जाता था अक्सर. ओह माय, लाफ्ड मदर ब्लेक, सच अ सैडनेस. ओह माय, मदर ब्लेक जो है वो हंसते हुए बोली, इतनी उदासी. What doleful faces you both have. कितना लटका हुआ उदास चेहरा तुम दोनों का है. I hope they don't freeze so and stay that way. मैं उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह से फ्रीज ना हो जाए और ऐसे ही ना रह जाए. It would be dreadful. ये काफी बुरा होगा. The mercury is at 60 now. Mercury अब 60 पे है. Mercury here refers to temperature because you know thermometers use mercury to show the temperature, right? So the mercury is at 60 now, यानि कि temperature जो है वो 60 पर है. It can't freeze, mother. ये जम नहीं सकता है माँ. Said Hal. Hal ने कहा. But there's no fun, mother. लेकिन कोई मजा नहीं है माँ. And Mab, whose face, as had her brothers, had lost its fretful look. While they were talking about the thermometer, और मैब जिसका चेहरा जैसे कि उसके भाई का चेहरा था, उस पर जो है एक कह सकते हैं कि चिंता वाली जो है अपीयरेंस थी, जबकि वो लोग थर्मामीटर के बारे में बात कर रहे थे. सो दिस कन्वर्सेशन सजेस्ट दैट बोथ यू नो लाइक हैल एंड मैब आर कंसर्न्ड अबाउट द टेम्परेचर. ओके, और वो चिंतित है कि इस टेम्परेचर में अब वो लोग क्या कर सकते हैं. अगेन सीम्ड क्रॉस एंड अनहैप्पी. वो भी जो है अभी कह सकते हैं थोड़ा सा इरिटेटेड और अनहैप्पी दिख रही थी. We can't have any fun. हम कोई भी मस्ती नहीं कर सकते हैं, कोई भी मजा नहीं कर सकते हैं. Why don't you play some games? Asked Mrs. Blake, smiling at the two children. क्यों नहीं तुम दोनों कुछ गेम्स खेल लेती हो? मिसेस ब्लेक ने पूछा, दोनों बच्चों को देख के मुस्कुराते हुए. We did, answered Hal. हैल ने जवाब दिया, हमने किया. We tried to play tag. हमने टैग खेलने की कोशिश की. But it's too muddy to run off the paths. And it's no fun. लेकिन ये कुछ ज्यादा ही कीचड़ भरा जो है बाहर का स्पेस है तक पाथ से इधर उधर भागने के लिए, और इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है. Staying in one place. और एक प्लेस पर रुकने में कुछ खास मजा नहीं है. We tried playing both with the ball and the doll too, but they were no fun either. हमने जो है दोनों चीज बॉल और डॉल दोनों के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी कोई मजा नहीं आया. It was a Saturday afternoon when Hal and Mab found so much fault about not having any fun. ये Saturday afternoon था जब Hal और Mab दोनों को जो है इस मजा नहीं पाने वाले सिचुएशन के बाद से काफी ज्यादा दिक्कत थी. Almost any other day, they would have been in school and have been busy over their lessons. लगभग किसी दूसरे दिन वो लोग स्कूल में होते और अपने लेसन्स के साथ बिजी होते. But just now, they wanted to play and they were not having a very jolly time, for they could not think of anything to do. लेकिन अब जो है उन लोगों को जो है वो जो है खेलना चाहते थे, लेकिन वो जो है मस्ती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास जो है वो कुछ भी ऐसा करने लायक काम सोच नहीं पा रहे थे. Thing to do. Or, at least, they thought they could not. या कम से कम
उन्हें लग रहा था कि वो कुछ ऐसा मस्ती वाला काम नहीं कर पा रहे हैं। Let me see now. How would you like to help me bake a cake, Mab? said mother. चलो मैं मुझे देखने दो। अच्छा तुम कैसे मुझे जो है क्या तुम केक बनाने में जो है तुम मेरी मदद करना कैसा चाहोगी मैप? माँ ने कहा। Oh, that will be fun. And Mab jumped up from the porch where she had been sitting near her mother's rocking chair and began to clap her hands. Oh, वो मजेदार होगा। और मैप जो है वो पॉर्च से कूद के जहां पर कि वो अपनी मम्मी के इस रॉकिंग चेयर के पास बैठी हुई थी अपने हाथों से ताली बजाने लगी। May I stir it myself and put the dough in the pans? क्या मैं इसे खुद से मिला सकती हूँ और डो को पैंस में डाल सकती हूँ? केक बनाने के लिए जो आटा गूथा जाता है ना, दैट्स कॉल्ड डो। While the three were in the midst of their cake making, into the kitchen rushed a little poodle dog, whirling around. जब वो तीनों जो है केक बनाने के उस प्रोसेस के बीच में थे, किचन में कौन घुसा? एक छोटा सा पूडल डॉग चारों तरफ गोल गोल नाचते हुए, barking and trying to catch his tail, भौंकते हुए और अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करते हुए। Oh, Rolly Polly, where have you been? cried Hal. Hal चिल्लाते हुए बोला, Oh, Rolly Polly, तुम कहाँ थी? Did Daddy come home with you? क्या Daddy तुम्हारे साथ घर आए हैं? But Rolly Polly, which might mean no or yes, just as you happened to listen to his bark. जैसे ही आप उसके भौंकने को सुनते तो उसका जवाब जो है वो यस या नो कुछ भी हो सकता था। Oh, don't get in my way, Rolly, called Mab as the little dog danced about in front of her. Mab जो है उसे बोलती है, क्या बोलती है Mab? ओह, मेरे रास्ते में मत आओ Rolly. जब वो कुत्ता जो है उसके सामने में गोल गोल नाच रहा था तो मैप क्या बोलती है, ओह डोंट गेट इन माय वे Rolly, ओह Rolly मेरे रास्ते में मत आओ। आउट इन फ्रंट ऑफ हर व्हाइल शी वाज कैरिंग अ पैन फिल्ड विद केक डो टुवर्ड्स, क्योंकि उस वक्त वो क्या कर रही थी, वो जो है केक डो से भरे हुए पैन को जो है ओवन की तरफ ले जा रही थी। लुक आउट, ओह देयर इट गोज, जस्ट व्हाट मैप हैड फियर्ड केम टू पास। देखो और ये लो चला गया। मैप को जो डर था वही हो गया। She tripped over the poodle dog and to save herself from falling she had to drop the pan of cake dough. वो जो है उस पूडल डॉग के ऊपर जो है वो लड़खड़ा गई और खुद को गिरने से बचाने के लिए उसे उस केक डो से भरे हुए बर्तन को गिराना पड़ा। Down it fell right on Rolly Polly's back. वो नीचे गिर गया ठीक Rolly Polly के पीठ पे। He barked and growled at the same time. Wow, wow, wow. वो जो है एक ही साथ जो है भौंका भी और गुर्राया भी। Oh, look at him, laughed Hal. He's a regular cake himself. देखो इसे, Hal हंसा। वो खुद एक रेगुलर केक बन गया है। Don't let him run through the house that way, called Mother Blake. मदर ब्लेक ने कहा, उसे इस तरह अब घर में मत दौड़ने दो। He'll get the carpets and the furniture all dough. Get him, Hal. और आगे बोले कि वो जो है कारपेट फर्नीचर सब पे उस आटे को फैला देगा। उसे पकड़ लो Hal. Hal made a grab for the little pet dog and caught him by his tail. Hal ने जो है उस छोटे से पेट डॉग को पकड़ने की कोशिश की और उसे उसकी पूंछ से पकड़ लिया। This made Rolly Polly howl louder than ever. इसने Rolly Polly को और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया। Until Hal, not wishing to hurt his pet, managed to get him in his arms. जब तक Hal ने अपने पेट को हर्ट न करने के उद्देश्य से उसे अपने बाहों में न पकड़ लिया। But of course, this made Hal's waist all covered with cake dough. लेकिन of course, इसकी वजह से Hal के जो कमर के पास का एरिया था, वो पूरा उस केक डो से
सन गया या कवर हो गया। Never mind, said Mother Bleak, as she saw Hal looking at himself in dismay. चिंता मत करो, मदर ब्लेक ने कहा जब उसने हैल को अपनी तरफ चिंता से देखते हुए देखा। It will all wash off. Better to have it on your waist than on the carpets. ये सब धुल जाएगा, बेहतर है कि ये तुम्हारी कमर पर है कारपेट्स पर होने की तुलना में। Why, Mab? What's the matter? For Mab was crying softly. क्या हुआ मैब, क्या बात है? क्योंकि मैब जो है वो धीरे धीरे रो रही थी। My nice cake is all spoiled, she sobbed. वो सुबकते हुए बोली, मेरा प्यारा सा केक पूरा बर्बाद हो गया है। Oh no, it isn't, comforted Mother Blake. मदर ब्लेक ने उसे आराम देते हुए, सांत्वना देते हुए कहा, ओह नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। Only one pan of dough is spilled, and there is plenty more. सिर्फ एक पैन ऑफ डो जो है वो गिरा है और अभी काफी ज्यादा है। The kitchen floor can easily be washed, and so can Rolly Polly. किचन फ्लोर इजीली साफ हो सकता है और ऐसे ही रॉली पॉली भी। While the three were in the midst of their conversation, Mab suddenly saw her daddy. Here comes daddy, she cried. जब तीनों जो है इस बातचीत के बीच में थे, मैब ने सडनली अपने पापा को देखा। ये आ गए पापा, वो चिल्लाई। Oh, I wonder if he brought anything, said Hal, racing after his sister. Oh, मैं बस सोचता हूँ क्या उन्होंने कुछ लाया भी है, हैल ने कहा अपनी बहन के पीछे भागते हुए। डैडी ब्लेक डिड हैव अ पैकेज इन हिज आर्म्स एंड ही वाज स्माइलिंग। डैडी ब्लेक के हाथ में एक पैकेज जरूर था और वो मुस्कुरा रहे थे। ही पुट द बंडल डाउन ऑन द टेबल एंड गॉट अ फर्स्ट मैब एंड देन हैल फॉर अ वार्म हग। उन्होंने जो है बंडल को टेबल पर रखा और फिर पहले मैब और फिर हैल को जो है वार्म हग के लिए पकड़ लिया। Well, how are you all today? He asked. Well, कैसे हैं आप सब आज? उन्होंने पूछा। We wanted to play something new, but we didn't know what, spoke Mab. Did you bring us anything, Daddy? हम लोग कुछ नया खेलना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था क्या, मैब ने कहा। क्या आप हमारे लिए कुछ लाए हैं डैडी? Yes, I brought you and Hal a new game. हाँ, मैं तुम्हारे और हैल के लिए एक नया गेम लाया हूँ। A new game? Oh goody! May we play it now? Oh, नया गेम? Oh goody! क्या हम इसे अब खेल सकते हैं? Well, you can start to look at it now. But it takes quite a while to play it. Well, तुम लोग इसे देखना शुरू कर सकते हो, लेकिन इसे खेलने में काफी समय लगता है। It takes all spring, all summer, and part of the fall. इसमें पूरा स्प्रिंग, पूरा समर और फॉल का भी हिस्सा इस गेम को खेलने में लग जाता है। Oh, what a long game! cried Han. What is it? Oh, कितना लंबा गेम, हॉल चिल्लाया, क्या है ये? It is called the garden game, said Daddy Blake smiling. Daddy Blake ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं the garden game. And after supper, I'll tell you all about it. और सपर के बाद मैं तुम्हें इसके बारे में सब बताऊंगा। सफर बेसिकली रेफर्स टू डिनर इन दिस केस, रात का जो खाना खाते हैं ना उसे सफर कहते हैं। सो वेल स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी जहां पर हमने क्या देखा कि हैल और मैब दोनों का छुट्टी का दिन है, राइट, सैटरडे आफ्टरनून, और चूंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो 60 के आसपास है, सो दैट्स अ बिट हाई फॉर द टाइम, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली बाहर जो है पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, बच्चे जो है वो अलग अलग तरह का गेम खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल मजा नहीं आता है और ऐसे में वो उदास होके जो है अपनी मम्मी के पास चले जाते हैं।
फिर सब मिलके जो है फिर केक बनाने की कोशिश करते हैं जस्ट टू हैव सम फन विद इट। तभी जो है डॉली पॉली डॉग आ जाता है। डॉग के आने के बाद थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो है उस डॉग के इर्द गिर्द रहता है ना। और डॉग के साथ कौन आए हैं? पापा आए हैं, और पापा अपने साथ एक छोटा सा पैकेज लेके आए हैं। पापा कहते हैं कि ये एक नया गेम है जो कि ये लोग खेल सकते हैं, लेकिन इस गेम को खेलने में काफी वक्त लगता है ना। स्प्रिंग, समर, फॉल, सभी सीजन्स का टाइम इसमें लग जाता है। और गेम का नाम क्या है? द गार्डन, राइट। और उसके बाद जो है बच्चे उस गेम के बारे में एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन डैडी क्या कहते हैं कि हम आपको इस गेम के बारे में सफर के बाद बताएंगे। So let us just read this part of the text once again and see if you have understood it all. अगर आपको किसी भी पार्ट को समझने में दिक्कत हो, you can watch this video once more. Okay? Thank you.